तो प्रारंभिक जोड़ी के रूप में यहाँ पर मनमोहन और अमित अंकित आए हैं। तो 94 रनों का लक्ष्य किया हुआ यहाँ पर जज कोर्ट एकादश पौड़ी ने, उदौड़ी एकादश को। बढ़िया गेंदबाजी की थी यहाँ पर विशेष तौर पे मनमोहन ने, और आप देखते हैं कि बल्लेबाजी में किस तरह उनका प्रदर्शन रहता है। वीरेंद्र बीच निकल रहे हैं गेंद करने के लिए, पहली गेंद इस इनिंग की। सामने बल्लेबाज मनमोहन के लिए निकलेंगे गेंद करने के लिए, और एक बार फिर मनमोहन ने जबरदस्त प्रहार किया इस गेंद पे। हालांकि देखना होगा गेंद थी मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए, बेहतरीन छक्का यहाँ पर मनमोहन के द्वारा। सिलिप के द्वारा इस थर्ड मैन का क्षेत्र भी तैनात, और इसी बीच वीरेंद्र, और एक बार फिर के बाद इस प्रहार इस गेंद पे। हालांकि गेंद के नीचे फील्डर जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे शंकर लेग साइड में, तब तक यहाँ पर जरूर रन प्राप्त किया, और एक रन जरूर यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। पारी का स्कोर क्या पहुंचा 7 रन, और अब सामना करेंगे अंकित करने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, जरूर थोड़ा पल्ले के बॉटम एंड से निकल के गेंद शॉर्ट लेग पे गई, वहां पर फील्डर तैनात जरूर है। तैयार एक नए ओवर की शुरुआत के साथ, पारी का दूसरा ओवर लेके आएंगे अपने इनिंग का, उनका ये पहला ओवर। अब से पीछे गेंद हल्की सी ऑफ स्टंप की तरफ निकाल दी, पीच होने के बाद गेंद स्क्वायर विकेट का स्क्वायर लेग क्षेत्र को खाली, और उसी पीछे गेंद, और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर सभी हुई गेंदबाजी। फिलहाल भूपेंद्र उर्फ भूपी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बिल्कुल मात्र स्टीयर किया इस गेंद को, जो आपका क्षेत्र खाली थोड़ा सर्किल के अंदर, फील्डर तैनात नहीं, एक रन जरूर यहाँ पे प्राप्त किया गेंदबाज भूपेंद्र, और बिल्कुल चू गए इस गेंद को। हालांकि तेज प्रहार करने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, फिलहाल संपर्क सामने मनमोहन के लिए निकलते हुए, और एक बार फिर जबरदस्त प्रहार इस गेंद पे, कवर के ऊपर से निकाला इस गेंद को, और यहाँ पर 6 रनों के लिए। और इसी बीच मनमोहन ने लेग साइड में निकाला इस गेंद को, बहुत तेजी से रन चुराने की कोशिश यहाँ पे, और कोशिश कामयाब होती हुई, अच्छी रनिंग मैं कहूंगा, क्योंकि मौका था आपके पास, और बिल्कुल सही बनाया इस मौके को ने अंकित, आगे बढ़ के माना चाह रहे थे इस गेंद को, फिलहाल सफल नहीं यहाँ पे, वाइड का इशारा जरूरी, जब गिनीस का ये तीसरा ओवर प्रगति पर, और इसी बीच गेंदबाज और बॉल कर दिया यहाँ पे यहाँ पर, लेकिन तब तक गेंद ने इंतजार नहीं किया विकेट को खिलाने का, और इस तरह यहाँ पर क्लीन बोल्ड आउट होने के बाद वापस पैवेलियन में गेंदबाज भूपेंद्र, और विकास ने यहाँ पर मात्र स्टीयर किया इस गेंद को, टीमें हाथ से खेला गया ये शॉट एक रन के लिए, तो शायद यहाँ पर थोड़ा स्पिन गेंदबाजी स्पिन अटैक इस समय। सामने बल्लेबाज सौरभ के लिए निकलेंगे गेंद करने के लिए, और बढ़िया प्रहार यहाँ पर, बढ़िया आते ही स्वागत किया स्पिन गेंदबाज का, और गेंद मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का। पारी का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 42, और एक बार फिर मनविंदर, और एक अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छी वापसी की गेंदबाज ने, गेंदबाजी आक्रमक पे इस समय, जो कि स्पिन गेंदबाज है मानविंदर तैयार, सामने बल्लेबाज सौरभ के लिए, बल्लेबाज सौरभ तैयार, गेंदबाज भी तैयार, मंदिर छोर पे तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए। सामने चले, और इसी बीच गेंद लेग साइड में निकाला इस गेंद को, यहाँ पर रन आउट होने का चांस, देखते हैं क्या रन आउट हो जाएंगे, लेकिन अंपायर ने मना किया, और इस तरह यहाँ पर सुरक्षित अपनी क्रीज में, और इसी क्रम में एक बार फिर मानविंदर तैयार हैं सौरभ के लिए, और एक बार फिर जबरदस्त प्रहार कॉमेंट के ऊपर से 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट यहाँ पर लेग साइड में, बढ़िया कनेक्शन यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा, हवा यात्रा पे निकाली गेंद 6 रनों के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर फिलहाल सौरभ के द्वारा। पारी का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 48 रन कुल, और एक बार फिर मानविंदर, बल्लेबाज सौरभ के लिए,
और निश्चित तौर पर यहाँ पर यह फुल टॉस गेंद जरूर थी, फाइन लेग की तरफ खेला इस गेंद को, रनों के लिए जरूर जा रहे हैं जब तक शंकर गेंद को फील्ड करके थ्रो फेंकेंगे और इस तरह दो रन यहाँ पे जरूर। और इसी के साथ यहाँ पर 50 रन पूरे। अंपायर के द्वारा हाइट के हिसाब से उसका भरपूर बॉल आउट है इधर से दीर्घ में, गेंद 6 रनों के लिए। रन के लिए जरूर कोशिश करना चाह रहे हैं बल्लेबाज, यहाँ पर विकास जरूर दौड़ रहे हैं कि रन के लिए और इस तरह एक रन पूरा किया और व्हाइट और बाई का इशारा, कुल मिला के 2 रन पारी में आते हुए स्कोर में और इन 2 रनों की सहायता से पारी का स्कोर जा पहुंचा 70 रन। यहाँ पर विकेट कीपर में और दिग्विजय गेंदबाज, लंबे कद के गेंदबाज और इसी बीच चले और गौतम नवानी ने जरूर प्रहार किया इस गेंद पे, रन के लिए जरूर जाएंगे बल्लेबाज, एक रन पूरा किया, दूसरे रन की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है हालांकि वहां पे जब तक गेंद फील्ड होगी और इस तरह 2 रन से संतुष्ट गौतम नवानी, आते ही खाता खोला उन्होंने और एक बार फिर दिग्विजय दौड़ कर लिया यहाँ पर गौतम नवानी को और इस तरह वापस पैवेलियन में गौतम नवानी। 8वां ओवर प्रगति पर है दिग्विजय के हाथों द्वारा और विवेक आए अब यहाँ पे नए बल्लेबाज जबकि 6 विकेट आउट हो चुके हैं। जबकि पारी का स्कोर 72 रन, जबकि 14 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता और जरूर यहां पर लेग साइड में निकाला इस गेंद को, जब तक दिग्विजय गेंद को फील्ड करते अपने फ्लोत्रों में तब तक पूरा मौका यहां पे रन लेने का, 13 गेंदें और 21 रन की आवश्यकता। और इसी बीच एक बार फिर दिग्विजय 2 रन के लिए गेंद हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई और यहाँ पर अंपायर का इशारा, व्हाइट का इशारा क्योंकि काफी बाहर निकल चुकी थी पिच होने के बाद गेंद।
और एक बार फिर दिग्विजय तैयार, सामने बल्लेबाज पूरन के लिए निकलेंगे गेंद करने के लिए और आगे बढ़ के दोनों इस गेंद को खेलना चाह रहे थे और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का। और जो जीत के लिए रन चाहिए वो चाहिए 20 रन, 12 पे 20। लंबे कद के गेंदबाज मंदिर एंड से निकलना शुरू किया विकेटों के करीब और इसी बीच गेंद और यहाँ पर विकेट कीपर चौके कार्डमैन के द्वारा गेंद जरूर फील्डिंग हुई, पूरा जरूर पहुंचा लेकिन तब तक पूरन अपनी क्रीज को छू चुके थे और इस तरह एक रन यहाँ पर पाई का इशारा अंपायर के द्वारा। और इसी बीच एक बार फिर गेंदबाज चले गेंद करने के लिए और पूरन ने आगे बढ़कर खेलना चाहिए इस गेंद को लेकिन यहाँ पर संपर्क नहीं कर पाया अपने बल्ले से, अंपायर का जरूर संपर्क रहा हमसे वाइड गेंद का, संघर्ष चलता हुआ। इसी बीच गेंदबाज फुल टॉस गेंद जरूर निकाली लेग साइड में, वहां पर वीरेंद्र बीच जब तक गेंद को फील्ड करेंगे एक रन जरूर यहां पे प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज और उस एक रन की सहायता से पारी का स्कोर जा पहुंचा 77। और एक बार फिर नीरज तैयार है गेंद करने के लिए, मंदिर छोर से धीरे धीरे चलना शुरू किया विकेटों के करीब और एक बार फिर जरूर प्रहार किया इस गेंद पे, हालांकि यहाँ पर फील्डर तैनात है उन्होंने गेंद को फील्ड किया थ्रो फेंका नॉन स्ट्राइक पे लेकिन एक रन से नहीं रोक पाया और इस तरह एक रन पूरा किया। लंबे रन के साथ जरूर निकल रहे गेंद करने के लिए विकेटों के करीब और इसी बीच पूरन के लिए गेंद और पूरन ने जरूर गेंद को खेला लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर चूक गए, रन के लिए जरूर गए बल्लेबाज और दूसरे रन की जरूर यहाँ पर कोशिश की जा रही जब तक यहाँ पर थ्रो आएगा और इस तरह 4 रन जरूर पूरे किए। अंपायर से जानना चाहूंगा रन क्या बल्ले से निकला हुआ था या आतृत के रूम में और इस तरह ये बल्ले से निकला हुआ ये दो रन और एक बार फिर नीरज तैयार सामने बल्लेबाज पूरन के लिए और पूरन को बोल्ड कर दिया यहाँ पे और पूरन वापस जाएंगे पैवेलियन में और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति 6-14। तो कुल मिला के दर्शकों इस ठंड के मौसम में बढ़िया गर्म मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ तो दर्शकों यहाँ पर पारी का अंतिम ओवर दिग्विजय के पास उनके कोठे का भी अंतिम ओवर सामने है विवेक 6-14 और इसी बीच दिग्विजय चले गेंद करने के लिए और एक बार फिर जरूर प्रयास करना चाह रहे थे गेंद पे एक रन यहाँ पे जरूर दौड़ के पूरा किया और यहाँ पर दूसरे रन की भी कोशिश की जा रही है जब तक यहाँ पर थ्रो आएगा 2 रन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और ये वाइड का इशारा भी अंपायर के द्वारा तो कुल मिला के ये 3 रन आते हुए तो देखते हैं दिग्विजय किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज विवेक और पंकज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाजों के पास इस समय पूरा दबाव है दोनों के पास तो देखते हैं कौन सफल होता है यहाँ पे और एक बार फिर दिग्विजय तैयार और विवेक ने जबरदस्त प्रहार किया इस गेंद पे हालांकि गेंद सीमा के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए तो बेहतरीन चौका यहाँ पे लेफ्ट साइड में निकाल दिया विवेक ने। अब ये हथियार नहीं डाले यहाँ पर बल्लेबाज ने और एक बार फिर दिग्विजय और एक बार फिर बेहतरीन छक्का यहाँ पे और इस तरह ये स्कोर जो है कि लेवल हो चुका है बराबरी पे हो चुका है मात्र एक रन तैयार जीतने के लिए केवल एक कदम दूर है यहाँ पर गुरुद्वारे का दस और जरूर प्रहार किया यहाँ पर रन लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज और इस तरह यहाँ पर देखना होगा लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और इस तरह यहाँ पर गुरुद्वारे का दस विजयी प्राप्त करता हुआ। तो कुल मिला के दर्शकों बढ़िया रोमांच मुकाबला रहा यहाँ पर अंत में यहाँ पर गुरुद्वारे एकादश ने विजयी प्राप्त की और यहाँ पर जो कि जज कोर्ट एकादश पौड़ी यहाँ पर इसमें मैच को हार चुका है लेकिन यहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए एक बढ़िया मुकाबला दर्शकों को देखने को मिला यहाँ पर जज कोर्ट एकादश पौड़ी को निराश नहीं होना चाहिए बढ़िया मैच रहा अंत में यहाँ पर जो एकादश ने विजयी प्राप्त की और उसके बाद जो मैच समाप्त के बाद जो मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है।